इतना टेम्प्टिंग लग रहा है। ये बर्गर किंग के फ्राइज है, ये मुझे फ्री मिले थे मीडियम साइज में। मैकडोनल्ड्स के फ्राइज विद बर्गर किंग का पेरी पेरी मसाला इज द बेस्ट कॉम्बो। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज अभी मॉर्निंग हुई है एंड आज ना मैं सोच रही हूँ एक स्पेशल सी वीडियो बनाने की। स्पेशल तो नहीं है बट ना कुछ अलग सी। तो मैं आज मैकडी वर्सेस बर्गर किंग ट्राई करने वाली हूँ। मैंने कभी ऐसा नहीं किया, आई थिंक मैंने बर्गर किंग कभी खाया भी है या नहीं मुझे तो याद नहीं है। तो मैंने कुछ आइटम्स मैं ऑर्डर करने वाली हूँ एंड सारे वो वेज आइटम होने वाले हैं। एनीवे मैंने ना सुबह ये बनाए थे चने चावल, वैसे रोटी बनाई थी बट अभी मैं चावल बना रही हूँ दिन के लिए। मैं तो वीडियो बनाने वाली तो बाकी सब खाएंगे तो थोड़ी सी बना रही चावल। एंड इसमें ना पानी कम हो गया, गाढ़ा हो गया क्योंकि सुबह बनाई थी। प्रेशर कुकर का हाल देखो ज़्यादा चने हो गए थे तो पानी बाहर फेंक दिया उसने। एंड आज मैंने हेयर वॉश भी करना है तो पहले हेयर वॉश करूँगी उसके बाद बाकी सारी चीज़ें करेंगे। पहले नहाना तो पड़ेगा ही। तो कुन्नू को सुला दिया है मैंने, तो मैं नहा धो लेती हूँ हेयर वॉश करने। मुझे वैसे भी ना मेरे बालों में इतना ज़्यादा डैंड्रफ हो गया था ना, इतने ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एंटी हेयर डैंड्रफ कोई प्रोडक्ट यूज़ करूँ या एंटी हेयर फॉल वाला। मतलब मेरे कॉलर में, पीरों में सब जगह डैंड्रफ हो रहा था। मतलब ठंडी आती तो डैंड्रफ शुरू हो जाता है लेकिन ठंडियाँ ख़त्म हो जाती है लेकिन ये डैंड्रफ नहीं जाता। बट थैंक गॉड मेरे हस्बैंड ने मुझे एक प्रोडक्ट ला के दिखा, मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने अंदर रखा हुआ एक सेकेंड। तो ये है वो शैम्पू, आयुर्वेदिक केस किंग एंटी डैंड्रफ शैम्पू। इसमें लेमन है, कर्ड है, प्लस 21 तरह के ना हर्ब्स है जो कि एक सीक्रेट आयुर्वेदिक फॉर्मूला है जिससे ना आपके बाल डैंड्रफ फ्री और हेयर फॉल फ्री बनते हैं। एंड ये मैं ना आई थिंक एक महीने से यूज कर रही हूँ एंड एक महीने में ही मुझे विजिबल रिजल्ट मिले हैं। मतलब मेरे बाल ना फिर से डैंड्रफ फ्री और हेयर फॉल फ्री है। मतलब बाल बहुत कम झड़ते हैं, तो टाइलों में नीचे ना झाड़ू मारो इतने बाल, पोछा मारो इतने बाल, अब नहीं मिलते हैं। तो एक महीने में मुझे विजिबल रिजल्ट मिल गए थे इसके। इसकी फ्रेग्रेंस भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बालों से ना बहुत अच्छी खुशबू आती है। इस शैम्पू की सबसे स्पेशल बात यह है कि ये एक आयुर्वेदिक शैम्पू है एंड ट्रस्टेड ब्रांड से है जो कि इसे बाकी शैम्पू से स्पेशल बनाता है। मतलब मेरे बाल बिल्कुल भी रफ नहीं होते ये आयुर्वेदिक शैम्पू यूज करने के बाद। अगर आपको भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम है या फिर हेयर फॉल की प्रॉब्लम है ना, तो ट्रस्ट मी गाइस, तो इस शैम्पू को जरूर ट्राई करना। आपको एक महीने के अंदर ही ना विजुअल रिजल्ट मिल जाएंगे। बाल अभी ऑलमोस्ट सूखे हैं, थोड़े थोड़े रह गए, अभी प्रॉपर नहीं सूखे हैं तो इनको मैं सुखा लूंगी। एंड रिजल्ट आप देखोगे ना, अगर मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको डैंड्रफ नहीं दिखेगा। तो मतलब डैंड्रफ की प्रॉब्लम तो मेरी बहुत अच्छे से सॉल्व हो रही है। एंड ये एक आयुर्वेदिक शैम्पू है, उसके बाद भी ना आपको मेरे बाल देखो अभी भी सूख ही रहे, मैंने कोई कॉम वगैरह नहीं किया, उसके बाद भी मेरे हेयर आपको ना सॉफ्ट दिखेंगे। तो इस शैम्पू से ना आपके बाल रफ नहीं होते, ड्राई नहीं होते। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मैं इस प्रोडक्ट का लिंक डाल दूंगी, तो इजिली आप इसे बाय कर सकते हैं वहाँ से। एंड गाइज ना आप ना caskking.com वेबसाइट पर जाकर बिल्कुल फ्री हेयर कंसल्टेशन टेस्ट भी ले सकते हो। तो गाइज अब दिन के खाने का टाइम भी हो गया एंड ये मैं सोचने वाले स्वेटर भी पहनी है। थोड़ा सा ना यहाँ पे मौसम ठंडा सा हो गया है एंड हल्की हल्की मुझे ठंड सी भी लग रही है, तो मैंने इसलिए डाल रखी है क्योंकि मेरे को बुखार आएगा तो गुन्नू को भी बुखार होने का टेंशन है। इसलिए मैं ले आई हूँ यहाँ पे अपना सामान। एक बैग है मैकडी का, तो दूसरा बैग है बीके का यानी कि बर्गर किंग का। तो मैं गुन्नू को भी ऊपर ले आई हूँ। को लाया मामा, तो ऊपर लाऊ, यहाँ पे रख देती हूँ मैं इसको। मैं नहाने गई थी ना, मतलब उतनी देर में उठ गई थी, तो कब पता चल गया था मम्मी चली गई। तो अभी मैं पहले अनबॉक्सिंग कर देती हूँ। तो पैकेट्स है, आई डोंट नो क्या क्या है, मतलब मुझे पता है मैंने क्या क्या मंगाया बट इसमें क्या क्या है पता नहीं। सारे वेज आइटम्स हैं, मैकडी का है, तो पिघल गया सर, पता नहीं क्या लीक हो रहा है। मतलब कुछ मैंने ड्रिंक मंगाई थी, आई थिंक वही लीक हो रही है। तो मैंने अनबॉक्सिंग कर दी, ये शायद मैकडी का है। मैंने मुझे पेरी पेरी मसाला नहीं दिया, मैंने पेरी पेरी मसाला भी ऐड किया था। तो किंग फ्राइज है, चीज़ी किंग फ्राइज है, एक पनीर बर्गर है, एक वेज बर्गर है और एक बर्गर फ्री है आलू टिक्की वाला, इसके बारे में बताऊँगी मैं। ये है मैक फ्लरी एंड ये कोल्ड ड्रिंक है, ये कोल्ड कॉफ़ी है। ये साइड है जो ये बर्गर किंग का है, चोको मूस केक है, नॉर्मल फ्राइज है, किंग फ्राइज है और चीज़ी किंग फ्राइज है, एक और एक पेरी पेरी किंग फ्राइज है जिसके लिए ये भी दिया है, मसाला भी दिया है। कोल्ड कॉफ़ी अगेन,
एंड पनीर बर्गर। ये पनीर बर्गर है, ये नॉर्मल बर्गर है। इसके साथ मुझे क्या फ्री मिले मैं बताऊंगी। दोनों के साथ एक एक आइटम फ्री है। तो प्राइस दोनों का ना अप्रॉक्स सेम था, बस 100 रुपये महंगा है बीके। मतलब दोनों मुझे 800-850 के पड़े, बट मुझे 100 रुपये डिस्काउंट मिला था उसके बाद वो मैकडी के प्राइस के अकॉर्डिंग हुआ। तो मतलब दोनों 800-850 के तो पड़े, बट बर्गर किंग में मुझे 100 रुपये का डिस्काउंट मिला था, यानी कि 900 कुछ का था वो। तो प्राइस का इतना ही डिफरेंस है, आइटम ऑलमोस्ट सेम है। एंड मैकडी में मुझे आलू टिक्की बर्गर आता ना 52 रुपये का, वो फ्री मिला था। एंड इसमें मीडियम फ्राइज है नॉर्मल, वो मुझे फ्री मिले थे बर्गर किंग में। तो दोनों में एक एक आइटम फ्री मिले हैं। ये मैकडी के चीज़ी फ्राइज है, ये बर्गर किंग के फ्राइज हैं। सॉस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है दोनों के। तो सबसे पहले मैकडॉनल्ड्स के, यानी मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं चीज़ी फ्राइज ट्राई कर रही हूँ। घर में एक बार बनाए थे, वैसे नहीं कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं वो खा रही हूँ पिज्ज़ा। पिज्ज़ा सॉस में क्रीमी सॉस ऐड करके, बिल्कुल डिफरेंस है टेस्ट है। मतलब सॉल्टी है ना, मैं थोड़ा ज़्यादा है ना। बहुत ज़्यादा नमक है इनके ना फ्राइज। फ्राइज तो सॉल्टी हैं, लेकिन जो सॉस है ना वो भी बहुत ज़्यादा सॉल्टी है। जैसे मतलब मैं तो कभी दोबारा इन्हें नहीं खरीदूंगी। तो इसमें विजेता होता है ये। एंड अब है ये बर्गर किंग के फ्राइज है। ये मुझे फ्री मिले थे मीडियम साइज में। एंड ये किंग फ्राइज है, क्वांटिटी आई थिंक थोड़ी सी ज़्यादा है इसकी मैकडी की, क्योंकि किंग फ्राइज है। मैकडी के पतले पतले से आप मैकडोनल्ड्स बर्गर किंग सॉल्टी है, मतलब नमक बहुत ज़्यादा है बर्गर किंग के फ्राइज में। ये अच्छे हैं, पतले भी हैं, ये थोड़े मोटे में ऐसी फर्क। इसके 3 या 2 मिला के एक है। मैकडी जीतता जा रहा, नेक्स्ट देखते हैं कौन जीतता है। फ्राइज खा के ना जीप हो गया थोड़ा। तो कोल्ड कॉफ़ी ये बर्गर किंग की है। एंड इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छी लगी इसमें। मीठा कम लग रहा है, मैं मीठा ज़्यादा पीती हूँ, इवन चाय भी ज़्यादा पीती। तो लेकिन अच्छी है, मस्ट ट्राई में लिखा था। मुझे कॉफ़ी इतनी पसंद नहीं है, तो सही हो गया। एंड वहीं पे मैकडॉनल्ड्स की पैकेजिंग कुछ ऐसी आई थी, अब कुछ एडिशनल नहीं आया था। गुन्नू का भी ध्यान रखना पड़ रहा है। जितना मुझे मीठा पसंद है ना, आई डोंट नो, मैं फर्स्ट टाइम बर्गर किंग ट्राई कर रही हूँ। मैकडी के मैंने गिनी चुनी चीज़ें खाई, ये भी फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ, बट मैकडी की चीज़ें ज़्यादा अच्छी है। मैं तो मैंने जिस आउटलेट से मंगाया है वो ज़्यादा अच्छी बनाता है अकॉर्डिंग टू बर्गर किंग। बर्गर ये है बर्गर किंग का पनीर रॉयल, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। बन तो बिल्कुल अलग है इसका, मैंने कुछ कस्टमाइज नहीं करा है, ऐसे चीज मंगाया था। वाओ, देखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है ये। सी ओ माय गॉड, कितना टेम्प्टिंग लग रहा है। एंड ये है मैगी का पनीर बर्गर, प्राइस के अकॉर्डिंग तो वो महंगा है थोड़ा, प्राइस के अकॉर्डिंग 70-80 रुपये ज़्यादा है। मैकडी वाले के अंदर है कुछ इस तरीके से, वेजीज है, पनीर है एंड पनीर टिक्की एंड सॉस है गुन्नू वाला।
नौटंकी कर रही। इसमें टमाटो है, कैबेज है, पनीर है एंड सॉस है। फिर मैंने हाफ, तो मैं हाफ में खा रही, क्योंकि मुझे पता है पूरा नहीं खा पाऊंगी, बहुत सारा सामान है। मुझे चने भी खाने हैं। बर्गर काफी ज्यादा यमी है, उतना ज्यादा टेस्ट नहीं आ रहा, लेकिन पनीर का मतलब कोई खाएगा तो आप पूछोगे अगर उससे तो पता कि कौन सा बर्गर, तो वो वेजी बर्गर कहेगा। स्पाइसी भी है ये, लास्ट में थोड़ा स्पाइसी लग रहा है, बट ना पनीर का है ये कहना, मतलब अगर किसी को नहीं पता होगा ये पनीर का बर्गर है तो काफी ज्यादा मुश्किल होगा कि बताना है कि पनीर का बर्गर है। ओवरऑल बर्गर अच्छा था। अब मैं करती हूँ डिवाइड। ये वाला भी स्पाइसी है, ये वाला बर्गर किंग से थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी हो, जीप की नीचे मिर्ची लग रही है, बट ना टेस्ट में उतना अच्छा नहीं, मतलब बर्गर किंग का बर्गर ज़्यादा सही था अकॉर्डिंग टू मैकडी के, मुझे मतलब ओके ओके लगा, उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। वेजी जो फ्री आइटम्स है, एक आलू टिक्की बर्गर भी फ्री मिला है, बट मैं नहीं खाने वाली हूँ क्योंकि मेरे पास सिर्फ बर्गर किंग के कंपैरिजन है, उसके जैसा कोई बर्गर नहीं है। तो ये दोनों वेजी बर्गर हैं, ये बर्गर किंग का है, ये मैकडॉनल्ड्स का है, दोनों सेम ही लग रहे हैं ना, बस की थोड़ी कैबेज बाहर आ रही है। सी मैकडॉनल्ड्स बर्गर किंग का वेजी बर्गर थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी था, तो मैकडॉनल्ड्स का बिल्कुल फीका, एकदम माइल्ड टेस्ट, मतलब कैचअप डालोगे तो थोड़ा टेस्ट आएगा, बिल्कुल माइल्ड था। तो मुझे दोनों ओके ओके लगे। इसमें अगर आप लोगों ने खाया दोनों में से, आपको कौन सा पसंद है नीचे कमेंट में बताना। मैकडॉनल्ड्स के फ्राइज विद बर्गर किंग का पेरी पेरी मसाला इज द बेस्ट कॉम्बो, तो आज हम यही ट्राई कर लेते हैं। डाल दिए, सलाद डालना होता है क्या, आई डोंट नो, थोड़ा डालती पहले मैं ना। पास्ता मसाला नहीं आता, ये फ्राइड राइस मसाला चिंग्स का, थोड़ा उसकी तरह हो रहा है। अब बारी है लास्ट चीज की, लेकिन मैं इसका इंतजार कब से कर रही थी, ये है बर्गर किंग का चॉकलेट मूज के, एंड ये है मैकडॉनल्ड्स की चोको फ्लरी, और आई डोंट नो क्या मंगाया था मैंने, क्या हालत हो गई, तो पानी पानी हो गया, तो फ्रिज में रखना पड़ेगा क्या पहले। आई थिंक कोल्ड ड्रिंक वो नहीं हो रही थी, लीक नहीं हो रही, सॉरी कोल्ड कॉफी लीक नहीं हो रही थी, यही लीक हो रहा था, पहले मैं इसी को खा ली। लेट्स सी से होता नहीं होता। फिर तो मैं इसको जमा के खाऊंगी, टेस्ट काफी अच्छा, ये तो ऑलरेडी जमी है। सो गुड, वो जमी होती तो अच्छी होती, बट फिर भी ये ज्यादा अच्छी लग रही टेस्ट में। मैंने यहाँ से नीचे रखा था, सब जगह लतर पतर कर दिया। मुन्नी मुन्नी ले, कहाँ जाना आपको, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, चलो चलो अब हो गया, चलो चलेंगे, चलो आ जाओ, जाओ घूमी घूमी चलेंगे, चलो हाथ दो। एंड ये बच गया है बर्गर। तो अभी रात हो चुकी है, एंड रात नहीं मतलब ऑलमोस्ट होने वाली 7:30 हो रहे हैं, और जो सामान था मैंने दिया था जग्गू खाने के लिए, थोड़ा बहुत खाया उसने, जितना खा सकते थे मतलब खा लिया ऑलमोस्ट, थोड़ा मैंने भी खाया था, और इसके पापा ने मना कर दिया था क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना बाहर की चीज़ें उतनी अच्छी नहीं लगती, पर कभी कभी उनका मन करता है तो खाते हैं वो, लेकिन ये बच गए हैं।
ये टेस्ट करे जब उन्हें पसंद नहीं आए मेरे को तो, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा नमकीन हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। पहली पहली फ्राइज भी बचे हुए एंड एक मेरी कोल्ड कॉफ़ी बची है बर्गर किंग वाली, मैकडी वाली मैंने पी ली है। तो तेरे काम की चीनी एंड मैंने अपना कंफर्टेबल वाला कुर्ता डाल लिया, तो ये था सूख गया था तो मैंने यही डाल लिया। मुझे ना इसमें कंफर्टेबल आता है क्योंकि इसमें फीड कराने में आसानी होती है। तो कुछ इस तरीके से ढक्कन निकाल दिया मैंने, ना ना ना, ना। मैंने इसको फ्रिज में रख रही थी कोल्ड कॉफ़ी को, तो मेरी मदर इन लॉ ने बोला क्या है, तो मैंने बोला कि कॉफ़ी है, लाइटिंग थोड़ी अजीब आ रही, मैंने रिंग लाइट नहीं चलाया ना, तो उन्होंने कहा ठीक, उन्होंने कहा कॉफ़ी कॉफ़ी फ्रिज में क्यों रख रही है। अभी रात हो गई है एंड अभी रात का खाना बन रहा है सब्जी रायता और रोटी, यहाँ पे चाय भी रखी हुई, चाय भी बन रही है। अब हम बना रहे हैं रायता, उसके लिए खीरा का भी कुछ करेंगे से सो गई है। सी। बना दिया रायता। तो गाइस मैं ब्लॉग का एंड कर रही हूँ, रात का खाना बन गया, अब हम खाएंगे सो जाएंगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, धीरे बोलते उठी गई, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर, उठी गई, ओके बाय।